वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल गणित मास्टर। स्टूडेंट्स, आज का ये जो हमारा लेक्चर होगा ये होगा क्यूबिक पॉलीनोमियल का। आप लोगों ने अभी तक जो ये अलजेब्रा का पार्ट था, पार्ट वन और पार्ट टू आप लोगों ने अभी तक पढ़ा। ये अलजेब्रा का जो आज का पार्ट होगा ये होगा पार्ट थ्री, और आज आपका सीबीएसई 10th का जो चैप्टर टू होगा पॉलीनोमियल, उसका सारा का सारा कॉन्सेप्ट होगा वो फिनिश हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9236910457 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा ये लेक्चर होगा क्यूबिक पॉलीनोमियल पर। जैसा कि हमने आपको बताया था, जो पॉलीनोमियल होता है, पॉलीनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स पावर एन प्लस बी एक्स पावर एन माइनस वन प्लस सी एक्स पावर एन माइनस टू प्लस डी एक्स पावर एन माइनस थ्री प्लस ई एक्स पावर एन माइनस फोर प्लस डैश डैश डैश, और लास्ट में क्या होता था, एक कॉन्स्टेंट नंबर आ जाता। अब देखते हैं हमको निकालना क्या है, हमको क्यूबिक पॉलीनोमियल निकालना है। तो क्यूबिक पॉलीनोमियल पर हमने आपको बताया था कि n इक्वल टू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। स्टूडेंट्स, जो हमारा ये पार्ट वन और पार्ट टू का जो ये लेक्चर है, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से आप इसको देख सकते हैं। अगर आपने पार्ट वन और पार्ट टू को नहीं देखा है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन दोनों पार्ट को जरूर देखिएगा। तो हमने ही बताया कि n की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, क्यूबिक पॉलीनोमियल बनाने के लिए n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। तो ये ए एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर बी एक्स एन माइनस वन एन थ्री माइनस टू थ्री माइनस वन टू हो जाएगा, सी एक्स ये आपका कितना हो जाएगा 3 माइनस टू 1 हो जाएगा, और पावर 1 लिखते नहीं हैं, तो फिर ये नेक्स्ट वाला d हो जाएगा 3 माइनस थ्री 0 हो जाएगा, ये हमारा कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। अब पूछा जाए क्यूबिक पॉलीनोमियल का जनरल फॉर्म क्या बनेगा, तो क्यूबिक पॉलीनोमियल का आपका जनरल फॉर्म बनेगा ए एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपका क्यूबिक पॉलीनोमियल का जनरल फॉर्म हो गया। स्टूडेंट्स, हमने आपसे बताया था कि जो लीनियर पॉलीनोमियल होता है उसके 1 सॉल्यूशन आते हैं, जो क्यूबिक पॉलीनोमियल होगा इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, इसके 3 सॉल्यूशन आएंगे। जैसे कि पार्ट सेकंड में बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसके कितने सॉल्यूशन आते हैं, उसके आपके 2 सॉल्यूशन आते हैं। तो यहाँ पर 3 सॉल्यूशन आएंगे, यानी कि आपके कितने सॉल्यूशन होंगे, 3 सॉल्यूशन होंगे, 3 ही रूट्स होंगे, 3 जीरोज होंगे, क्या होंगे, 3 सॉल्यूशन होंगे, 3 रूट्स होंगे, 3 जीरोज होंगे, और 3 ही वैल्यू ऑफ एक्स होगा। इसके आंसर कितने आएंगे, 3 ही आएंगे। ये जो सारे पार्ट लिखे हुए हैं, क्वेश्चन जो होता है इन्हीं से पूछा जाता है कि इसके कितने रूट होंगे, कितने जीरोज होंगे, कितने वैल्यूज ऑफ एक्स आएंगे, कितने आंसर होंगे। आपको केवल आपको आंसर ये बताना है कि 3 होंगे, कितने होंगे, 3 होंगे। अगर 3 इसके सॉल्यूशन होंगे तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, हमने बताया था जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है उसका ग्राफ कैसा बनता है, उसका ग्राफ आपका पैराबोला शेप का बनता है, तो इसका भी कर्व शेप बनेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जो होता था एक्स एक्सिस को कितने टाइम काटता था, 2 टाइम्स काटता था, लेकिन यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स कट करेगा, कितने टाइम कट करेगा, 3 टाइम्स, जैसे 1 टाइम 2 टाइम ये 3 टाइम। तो ये आपका हो गया क्यूबिक पॉलीनोमियल, क्या हो गया, क्यूबिक पॉलीनोमियल, चाहे कट करे और चाहे ये टच करे, बात एक ही है। अगर टच भी कर दिया तो ये समझ लीजिए ये इंटरसेक्ट कर दिया 3 पॉइंट पर, या कट कर दिया तब भी हो गया। ओके, तो ये कितने बार कट करेगा एक्स एक्सिस को,
थ्री टाइम्स ये इंटरसेक्ट करेगा और जहां जहां पर कट करेगा वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे हमने कहा ये 5 पर कट किया -5 पर, ये आपका कट किया कितने पर +4 पर, और ये आपका कट किया 0.5 पर, तो इसके 3 सॉल्यूशन हो जाएंगे -5, 0.5 और 4 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। इस प्रकार से जो इसके रूट होते हैं, कितने रूट बनते हैं? 3 रूट बनते हैं। कितने रूट बनते हैं? 3 रूट बनते हैं। और 3 रूट को हम फर्स्ट रूट को अल्फा, सेकेंड रूट को बीटा और थर्ड रूट को गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जनरली ये अल्फा, बीटा और गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है। कौन? क्यूबिक पॉलीनोमियल का जो रूट होता है वह। कौन? क्यूबिक पॉलीनोमियल का जो रूट होता है वह अल्फा, बीटा, गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर हम आगे बात करते हैं कि ये क्या है, अल्फा, बीटा, गामा एक्स की वैल्यूज है, यानी कि एक्स की 3 वैल्यूज आएगी, एक्स इक्वल टू अल्फा, एक्स इक्वल टू बीटा, एक्स इक्वल टू गामा। कितने वैल्यूज आएंगे इसके? इसके 3 वैल्यूज आएंगे, अल्फा, बीटा और गामा। इसके रूट कितने होंगे? अल्फा, बीटा और गामा। जीरोज कितने होंगे? अल्फा, बीटा और गामा। एक्स की कितनी वैल्यू जाएगी? अल्फा, बीटा और गामा। सॉल्यूशन कितने होंगे? अल्फा, बीटा और गामा। केवल हम क्या कहेंगे? 3 सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल। इसी समय हम आपको ये भी बता देते कि अगर ये क्यूबिक ना होकर अगर ये बाइक्वाड्रेटिक होता, यानी कि एक्स की पावर 4 होता, तो ये आपका जो ग्राफ बन रहा था ये एक बार और इसको कट करता, यानी कि अब 4 पॉइंट पर कट करता। कितने पॉइंट पर कट करता? 4 पॉइंट पर कट करता। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो बाइक्वाड्रेटिक होता है वो एक्स एक्सिस को 4 टाइम्स कट करता है, जो क्यूबिक पॉलीनोमियल होता है वो एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स कट करता है। ऐसे ही आपके बुक में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 2 का, उसमें प्रॉब्लम पूछे गए हैं, जो ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उसका सॉल्यूशन उतना ही आएगा। 4 टाइम अगर कट कर रहा है तो 4 सॉल्यूशन, 5 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है तो 5 सॉल्यूशन। अगर ऐसे ही अगर कहीं ग्राफ 10 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है 10 सॉल्यूशन, अगर कहीं एक भी बार ये कट नहीं कर रहा है तो आपका 0 सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 सॉल्यूशन हो जाएगा। ये रहा आपका ये ग्राफ वाली बात। आगे अगर हम बात करते हैं कि ये अल्फा बीटा जो है इसका रूट है, क्या है? अल्फा बीटा इसका रूट है। तो अब हम रिलेशनशिप ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? रिलेशनशिप। किसके किसके बीच में रिलेशनशिप? जीरोज एंड कॉफिशियंट। किसके बीच में? जीरोज एंड कॉफिशियंट। किसके बीच में? जीरोज एंड कॉफिशियंट। तो यहां पर जीरोज आपका क्या है? अल्फा, बीटा और गामा है, और ये आपका क्या है? कॉफिशियंट ए, बी, सी और डी है। अब देखिए 3 तरीके का इसका जो होता है रिलेशनशिप बनता है। फर्स्ट रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं तो सम होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और जो होता है जो सेकेंड टाइप का रिलेशनशिप होता है वो 3 इसको ले लेते हैं, अल्फा बीटा को पहले ले लेते हैं, फिर बीटा गामा को ले लेते हैं, फिर गामा अल्फा को ले लेते हैं। ये सेकेंड टाइप का रिलेशन बन गया। थर्ड टाइप का जो रिलेशनशिप बनता है वो तीनों का प्रोडक्ट होता है, यानी कि अल्फा, बीटा इंटू गामा। ये तीनों का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। अगर आपने हमारे सेकेंड पार्ट को देखा होगा या फर्स्ट पार्ट को देखा होगा तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, जो था पहला -1 का पावर 1 होता है। क्या होता है? -1 का पावर 1 होता है, दूसरा -1 का पावर 2 होता है, तीसरा -1 का पावर 3 होता है, चौथा -1 का पावर 4 होता है। इस प्रकार से ये -1 बनेगा,
ये प्लस बनेगा, ये आपका क्या बनेगा माइनस वन बनेगा, ये प्लस वन बनेगा। तो इस ट्रिक को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम निकालने जा रहे हैं, तो फर्स्ट में क्या होता है माइनस होता है, तो हम लिखेंगे माइनस और एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड वाला जब निकालेंगे तो सी पर जाएंगे, ये सी अपॉन ए हो जाएगा और हमने क्या बताया ये पॉजिटिव होता है। थर्ड वाले पे अगर हम जाएंगे तो ये डी अपॉन ए होगा लेकिन ये निगेटिव होता है, क्या होता है ये निगेटिव होता है। इस प्रकार से आपने देखा तीनों रिलेशनशिप बन गया, किसके किसके बीच का बन गया बताइए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और लास्ट वाला अल्फा बीटा गामा। अगर हम बात करते हैं कि ये जो पॉलीनामियल बन रहा है, पॉलीनामियल का जो एक्सप्रेशन रहेगा यानी कि पॉलीनामियल रहेगा उसको हम कैसे बनाएंगे, तो उसको देखिए इसी से बनता है, किससे बनता है इसी से बनता है। तो देखिए पॉलीनामियल मेकिंग एक्सप्रेशन, क्या पॉलीनामियल मेकिंग एक्सप्रेशन, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा ये आपका जनरल फॉर्म लिखा हुआ है। जनरल फॉर्म में एक्स क्यूब को पहले लिखते हैं और यहां पर ये साइन ध्यान दीजिएगा माइनस का, माइनस लगाते हैं फिर ये वाला लिखते हैं फर्स्ट वाला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर ये एक्स स्क्वायर लिखते हैं, फिर कौन सा निशान होगा सेकेंड वाला प्लस का होगा तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे, सेकेंड वाला लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा, फिर एक्स उसके बाद में डी यानी कि कांस्टेंट अल्फा बीटा गामा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो था ये आपका पॉलीनोमियल मेकिंग एक्सप्रेशन बन गया। कहने का मतलब ये है कि क्यूबिक पॉलीनोमियल अगर बनाना होगा, अगर हमको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू अगर पता है तो हम ये एक्सप्रेशन क्यूबिक पॉलीनोमियल का बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसको हम बना सकते हैं। तो यहां पर जो ये हमारा क्यूबिक पॉलीनोमियल था ये हो गया, इसका जो कॉन्सेप्ट हो गया वो क्लियर हो गया। अब इसी बात पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा बाइक्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पर, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाइक्वाड्रेटिक अगर हम पॉलीनोमियल की बात करें तो यहां पर आप देखिएगा जो हाईएस्ट पावर होगा वो आपका फोर होगा, क्या होगा फोर होगा, क्या होगा हाईएस्ट पावर फोर होगा। तो यहां पर देखिएगा जब हम इसका हाईएस्ट पावर फोर लिख देंगे तो ये होगा ए एक्स पावर फोर, ये होगा ए बी एक्स क्यूब, ये होगा सी एक्स स्क्वायर, ये होगा डी एक्स प्लस ये क्या बन जाएगा ई बन जाएगा। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके आपके फोर सॉल्यूशन होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे फोर सॉल्यूशन होंगे, फोर जीरोज होंगे, फोर रूट होंगे, फोर वैल्यू ऑफ एक्स आएगा, क्या आएगा फोर वैल्यू ऑफ एक्स आएगा। और फोर सॉल्यूशन जो एक्स की फोर वैल्यू आएंगे इसमें देखिए पहले वाले को हम अल्फा मानेंगे, दूसरे वाले को बीटा मानेंगे, तीसरे वाले को गामा मानेंगे और चौथे वाले को ये साइन आप जान जाइएगा ये साइन होता है डेल्टा का, किसका साइन होता है ये डेल्टा का साइन होता है। तो अब जैसे हमने क्यूबिक पॉलीनोमियल में बताया था ऐसे ही क्या होता है इसमें भी आपका कंडीशन होता है, कौन कौन सा कंडीशन होता है, कौन कौन सा रिलेशन बनेगा। सबसे पहले तो ये पॉजिटिव इसको हम ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का। सेकेंड वाला क्या बनेगा, सेकेंड वाला अब देखिए डबल डबल को लेंगे, सबसे पहले क्या बनेगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस, अब इन दोनों को ले लेंगे किसको किसको बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा, अब लास्ट में क्या बचा गामा डेल्टा। एक सीक्वेंस ध्यान में रखेंगे उसी सीक्वेंस के अनुसार ये पूरा हमारा बन जाएगा।
फर्स्ट को ऐड किया, दो दो को लेकर ऐड किया, अब देखिए तीन तीन को लेकर हम ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस कौन कौन सा हो गया, अल्फा बीटा गामा हो गया आपका, अल्फा बीटा गामा हो गया, अल्फा गामा डेल्टा हो गया, अल्फा गामा डेल्टा हो गया, उसके बाद में क्या हो गया, बीटा गामा डेल्टा हो गया, और एक हम और ले लेंगे अल्फा गामा डेल्टा, कितने हो गए ये आपके बनेंगे अल्फा बीटा गामा, फिर अल्फा बीटा डेल्टा, यहां पर देखते हैं ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकेंड हो गया, वाला जो हमारा रिलेशन बनेगा वो आप ध्यान से देखिएगा, पहला बनेगा अल्फा बीटा गामा का बनेगा, दूसरा बनेगा अल्फा बीटा डेल्टा का बनेगा, तीसरा क्या बनेगा, अल्फा गामा डेल्टा का बनेगा, और ये बनेगा एक लास्ट वाला बीटा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा। देखिए जो फोर्थ टाइप का जो रिलेशन हमारा बनेगा, फोर्थ टाइप का रिलेशन बनेगा इन चारों का प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। अब देखिए अभी हमने आपको ये ट्रिक बताया हुआ है कि जो पहला होता है वो आपका क्या होता है, पहला आपका माइनस, दूसरा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इसी सीक्वेंस को देखेंगे, और पहला आपका बनेगा ये माइनस बी अपान ए, दूसरा क्या बनेगा सी अपान ए, तीसरा क्या बनेगा माइनस डी अपान ए, चौथा क्या बन जाएगा ई अपान ए। इस प्रकार से आपने देखा बी अपान ए, माइनस में सी अपान ए, प्लस में डी अपान ए, माइनस में ई अपान ए, प्लस में, तो ये आपका क्या हो गया बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। स्टूडेंट्स ये रहा हमारा आज का लेक्चर जिसमें आप लोगों ने देखा कि क्यूबिक पॉलीनोमियल क्या होता है और बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो की होगा आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे और समझेंगे। स्टूडेंट आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट जरूर करिएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। स्टूडेंट्स आप अगर हमारे ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।